आप आगे लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जो घर से जाती हैं सड़क वगैरह बस यात्रा आपको करनी पड़ती है, आप लोग बच्चियां हैं, सिक्योरिटी सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न रहा है पहले आप लोगों के लिए, तो क्या अब भी कंसर्न है या कुछ कम हुआ है, क्या है? नहीं सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि अब थोड़ा सा कम है बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप लोगों को ईव टीजिंग वगैरह इन सब की दिक्कतें होती हैं? यस सर, अभी भी होती है, लेकिन बस ये है कि उतना नहीं होता है जितना हमेशा पहले होता था। तो ये जो सरकार नई आई, योगी सरकार आई थी, एंटी रोमियो स्क्वाड वगैरह बनाया था, पुलिस को एक्टिव करने की बात कही गई थी, तो पुलिस उतनी एक्टिव हुई क्या पिछली सरकारों से? इस सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा एक्टिव है पुलिस। ठीक है, क्या नाम भाई साहब का? मुकेश। ये जी क्या करते हैं फिलहाल? तो जा रहे हैं काम पर, बाहर से आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कोई राय है आपकी, कैसी सरकार चल रही है? आते रहते होंगे आप? बिल्कुल। तो कैसी सरकार चल रही है और कैसी सरकार यहाँ पर, लोग जो जिनसे मिलने आते हैं वो आपको बताते होंगे कैसी सरकार चल रही है और कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, सुधार तो हर चीज़ में होनी चाहिए, थोड़ा हुआ है, थोड़ी और आवश्यकता है। मेरे ख्याल से दो मुद्दे प्रमुख हैं, वो पूरे भारत में ही है, एक रोजगार, दूसरी महंगाई, तो वो यहाँ पर भी है और हर जगह है, वो हर जगह है फिलहाल। इस भीड़ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि बस में भीड़ बहुत ज़्यादा है और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रवीण अग्रवाल। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से उम्मीद यही करते हैं थोड़ा सा महंगाई पर कंट्रोल करें और लोगों को रोजगार दें, बस महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो अभी आप देखो गैस का रेट देखो, सिलेंडर का रेट कितना महंगा है, पेट्रोल डीजल बहुत इंक्रीमेंट हो रहा है पैसा, उससे लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी मैं भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अभी, जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से 100-100 अर्निंग नहीं है, उस हिसाब से सैलरीज नहीं है कंपनियों में, जिस हिसाब से महंगाई होती है हो रहा है 2022 में। आप लोग क्या सोचते हैं कि कैसा विधायक आप लोग चुन करके अपने जनप्रतिनिधि को भेजेंगे लखनऊ, जो जा करके आपकी समस्याओं को वहाँ पर रखे और आपके हितों का जाने? नहीं, अभी तक तो देखो योगी जी का अगर बोले, मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्शन भी लेते हैं, पूरे तरीके से गुंडा राज उन्होंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से जो उन्होंने कुछ अपने कार्य किए बहुत ही अच्छे किए हैं, जो अभी तक गवर्नमेंट में किसी में नहीं हुए थे। क्या नाम है? शिवपाल सिंह। कहाँ रहते हो? अजीत महल के पास। अच्छा, शिवपाल सिंह, तो शिवपाल सिंह को ही वोट दोगे क्या? नहीं नहीं, हम तो योगी बाबा को वोट देंगे। योगी जी को? नहीं, योगी जी का ही वोट दो। अरे अच्छा काम कर रहे हैं योगी बाबा। अच्छे काम का मतलब क्या होता है दादा, हमको भी तो बताओ। सारी सुविधाएं हैं। सुविधाएं हैं? गुंडागर्दी खत्म हो गई। अच्छा, अजीत महल जा रहे हो, कह रहे हो गुंडागर्दी खत्म हो गई? हाँ, अजीत महल हर जगह खत्म हो गई, क्या है गुंडागर्दी हो रहा है? अरे लड़कियों को परेशान करते थे बच्चे बहुत। अच्छा, आप नहीं करते हैं? बाल गिराज में तो बहुत ही परेशान किया है। तो बाबा जी मार मार के भगा दिन का माफियन? अरे बाबा जी का इतना शासन सख्त है कि अपने आप सही हो गए गुंडे। उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार आप लोगों का सुरक्षित रख सकती है, देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित रहे? जो किसानों का और जवानों का वही सुरक्षित रख सकती है। ऐसा कौन सा है जो किसानों जवानों की बात कर रहा है? कोई भी कर सकता है। तो अभी के हिसाब से तो मोदी गवर्नमेंट ठीक है, मतलब डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ कर रही है, अच्छा कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, ओम प्रकाश राजभर, सांसद आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह हैं, वो ओवैसी, कौन आदमी? मेरे हिसाब से तो योगी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। अच्छा, हाँ जी। अच्छे की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है अच्छे की? मतलब भ्रष्टाचार ना हो, गुंडागर्दी खत्म हो जाए बिल्कुल, और मेन फोकस तो गुंडागर्दी पे चल रहा है यहाँ पे अभी जो चल रहा है, कि गुंडागर्दी बिल्कुल कम होती जा रही है, पहले से बहुत कम होती जा रही है।